अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होशियारी आपके फेवरेट प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है दिल साले। व्यूअर्स, लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़िद्दी हूं और यकीनन मैं बहुत ज़िद्दी हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो बहुत सारी सी ख्वाहिशें जो मेरी पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब मुझे ज़िद्दी लोग कहते हैं। लेकिन अब मुझे आज के इस प्रोग्राम में ये जानना है कि आजकल के माशरे में, आजकल के मैंने माहौल में देखा है कि बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं और बच्चे छोटी छोटी चीज़ों पर ज़िद करते हैं, और बड़ों की अगर बात करें तो बड़े भी जब छोटे थे तो उनकी भी कोई ज़िद हुआ करती थी। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधबाद गुलशन में, और हमें लोगों से और बच्चों से ये जानना है कि कौन है ज़िद्दी और आपकी कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी ना हुई हो, जिसकी वजह से अब उसकी ज़िद है। तो आइए जानते हैं लोगों से और उनके साथ शेयर करते हैं दिल साले। लेट्स सी दैट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिंधबाद इस वजह से बहुत मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झूले हैं और बच्चे और फैमिलीज़ वगैरह बड़े शौक से यहाँ पर आते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर देखा जाए, जितने भी लोग आए हैं उनसे पूछा जाए और टॉपिक पर डिस्कस किया जाए कि कौन है ज़िद्दी और क्या आप ज़िद्दी हैं। तो हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमें तलाश है उन बच्चों की और उनकी जो बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे ये बताएं कि आप ज़िद्दी हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता। आप ज़िद्दी हैं? शायद। एक ज़िद्दी वो पूरी हो गई। पूरी तो करनी है। नहीं, हाँ गुस्सा बहुत करती हूँ। जिद तो किसी बात पे भी हो जाती है। जिद मैं अब तो नहीं करती, पहले बहुत करती थी। क्या करती थी अगर करती नहीं तो? अम्मी से करती थी छोटी छोटी, अगर कपड़े लेने हैं तो उस पर नाराज हो गई अम्मी से, और जैसे बस इसी तरह की, अब तो नहीं करती। जी, आपकी क्या जिद थी? कोई ऐसी खास ऐसी तो जिद नहीं थी इनसे शादी करना? नहीं नहीं, ऐसी कोई पूरी हो गई हो? नहीं, ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो मैंने सुना है कि वो जिद में तब्दील हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ख्वाहिश पूरी ना हो तो जिद में तब्दील हो जाए, ये इंसानी नफ्सियात की बात है कि अगर आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं तो ये बहुत आसानी से मुमकिन नहीं होता, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में अपनी ज़िद बना लें तो ये पॉजिटिव चले जाती है, अगर नेगेटिव में चले जाएँ तो डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाती है। क्या है आपकी, कोई है ज़िद है? फ़िलहाल तो नहीं है, एम्बिशियस है, ज़िद कोई नहीं है। कि कौन सी ऐसी ज़िद है जो आज तक पूरी ना हुई हो, तो ख्वाहिश भी ज़िद में तब्दील हो जाती है? दूसरी शादी की ज़िद है, वो पूरी नहीं हो सकती। ये तो बड़ी ख़तरनाक ज़िद है, बस लेकिन पूरी तो करनी है। जी, ये कह रहे हैं कि दूसरी शादी की ज़िद है। मैं इनका खून कर दूंगी। जिद तो है, पूरी तो होगी? नहीं करेंगे, पक्की बात है। हाँ। देख लें, ये बोल रहे हैं मेरी जिद है। नहीं नहीं, पक्की बात है, नहीं करेंगे। चले, आपकी क्या जिद है? मेरी जिद है ये इनको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। देखिए, आपकी जिद है कि आप दूसरी शादी करेंगे, और इनकी जिद है कि ये शादी नहीं होने देंगी। लेकिन मैं अपनी जिद पूरी करूँगा। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ज़िद्दी लग रहे हैं, शक्ल से ज़िद्दी हैं। हाँ हाँ, पुराना ज़िद्दी हूँ मैं। बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनका, जी आपका नाम? साद। साद, और आपका नाम? नुस्फातमा। आप ज़िद्दी हो? ये इसमें सोच रही हो, ज़िद्दी? अच्छा, आप ज़िद्दी हो? नहीं, ज़िद्दी नहीं हो। अच्छा, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो पापा ने आपकी पूरी नहीं की? यो-यो। अच्छा, आप समझते हैं कि कोई ख्वाहिशात, अगर कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो इंसान उसको पूरा करने के लिए ज़िद्दी हो जाता है? हाँ, ये ठीक है। हुँ? ये ठीक है। क्या ज़िद में आके क्या क्या चीज़ें तोड़ी हैं आज तक? घर के बर्तन वर्तन तोड़े? अभी तो नहीं तोड़ा है फिलहाल। अच्छा हाँ, चलें। अच्छा, मुझे बताएं, ख़वातीन ज़िद्दी होती हैं? आदमी ज़्यादा होते हैं। ख़वातीन, जो मैंने सुना ख़वातीन भी बड़ी ज़िद्दी होती हैं। मैं तो, मुझे बस ये सूट ख़रीदना है, मुझे ये लेना है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ कम से कम। तो आप समझती हैं ख़वातीन होती हैं, आप नहीं हैं तो ख़वातीन तो होती हैं? मेरे ख्याल में आदमी ज़्यादा होते हैं। आदमी ज़्यादा होते हैं जी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो ज़िद में तब्दील हो गई हो? नहीं, कोई नहीं है। बस इनको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। ये ज़िद पकड़ी है? हाँ, ये ज़िद पकड़ी है मैंने। हमारी दुआ है कि आप अपनी ज़िद पे कायम रहें और हमारे साथ शेयर करें, ताली मारें। दिल साले, कौन सी ऐसी ख्वाहिश थी जो ज़िद में तब्दील हो गई हो? और ज़िद्दी लोग हमने बहुत देखे हैं, कुछ फैमिलीज भी हमारे साथ खड़ी हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़िद्दी हैं? लिटिल बिट। कौन सी ऐसी ज़िद है जो आज तक पूरी ना हुई हो? अल्लाह का शुक्र है, एक ज़िद थी वो पूरी हो गई। क्या?
मतलब मेरी माशाल्लाह लव मैरिज है और जो कि मेरी वालदैन की माशाल्लाह रजामंदी के साथ हुई है। और मतलब कहीं घर के बर्तन तोड़े नहीं थे, जिद में आ गए तो अम्मा ने बोला शादी कर दो भाई वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा, जिद कर रहा है बच्चा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वालदैन की रजामंदी के साथ और बड़ी खुश असलूबी के साथ मामला तय पाया। अभी जिद में आके कुछ तोड़ा है? नहीं, फेंके थे, टूटे नहीं थे। आंटी ये मुझे बताएं कि बच्चे जो है बड़ी जिद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। आपने कभी की है जिद? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अपने अंकल से कोई, अंकल से कोई जिद नहीं किया आपने? बहुत सारी, अंकल से तो बहुत सारी की हैं। बच्चे बड़े जिद्दी हैं, इसकी वजह क्या है? बस यही है कि मेरे ख्याल में वो मीडिया आजकल इतना इन है हमारे माशरे में, वो मीडिया से मुतासिर हो के जो मतलब वो उनको हासिल नहीं हो सकता उसकी भी जिद कर डालते हैं माँ बाप से। ये मुझे बताओ आप में से जिद्दी कौन है, कौन जिद्दी है? आप जिद्दी? आप? आप? मैं जिद्दी हो? क्या जिद करते हो तुम पापा से? हर कुछ जिद करता हूँ, हर चीज पर जिद कर। घर में क्या क्या चीजें तोड़ी हैं अभी तक जिद में? लाइटें तोड़ी है, बैट बॉल खेलते हैं, लाइटें तोड़ता हूँ। और आप, आपने क्या जिद की थी पापा से? कुछ नहीं, कुछ नहीं करते हैं, अच्छी बच्ची है, मारती है, झूठ भी कहती है। अच्छा चलो इसी तरह एंजॉय करो, ताली मारो। आप जब छोटे थे तो जिद किया करते थे? नहीं, जिद किया करते थे तो जरूरी नहीं है कि हर चीज़ की जिद पूरी हो जाती थी। आजकल के दौर में मैंने सुना है बच्चे बड़े जिद्दी हैं, इसकी वजह क्या है? न्यू जनरेशन है भाई, यही बात हो सकती है। क्योंकि खुद जो माँ बाप हैं खुद नए न्यू जनरेशन के हैं तो वो चाहते हैं कि अपने बचपन में जो ख्वाहिशें उनकी पूरी नहीं हुई तो बड़ों बच्चों की भी ख्वाहिशें पूरी हों। जिद्दी हो? नहीं नहीं। क्या जिद करते हो मम्मी से? खाना खाना। आंटी मुझे बताएं कि आपकी कोई जिद है? मेरी? नो नो, हाँ गुस्सा बहुत करती हूँ। आजकल के दौर में आप समझती हैं कि बच्चे बड़े जिद्दी हो गए? बहुत ज़्यादा। की वजह क्या है? हम बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं तो लाड प्यार ज़्यादा हो गया है। आप बचपन में आप जिद्दी थे? हाँ इतना नहीं, उस वक्त के दौर में इतनी मतलब ख्वाहिशें नहीं थी। अंकल मुझे बताएं कि आप जिद्दी हैं? नहीं भाई मैं जिद्दी तो नहीं हूँ। जिद शादी के बाद खत्म हो जाती है? शादी की बात तो शादी से पहले भी नहीं थी और शादी के बाद भी नहीं है। बचपन में कोई जिद नहीं थी आपकी? बचपन में जिद होगी तो वो माँ बाप को पता है, और जब से हो समा तब से मेरी कोई जिद नहीं है, एक ही जिद थी बस स्कूल नहीं जाना। आप जिद्दी हैं? घूमने आया था लेकर ही नहीं आता। बाबा तो तुम्हारे कंजूस हैं, कहाँ घुमाएंगे। अच्छा आप समझते हैं आजकल के दौर में बच्चे जो है बड़े जिद्दी हो गए? बहुत जिद्दी हो गए भाई, आज सुबह से 7 बजे से उठे हुए और कह रहे कि मुझे लेके बाहर चले आप।